नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान टीवी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में सुख शांति धन और समृद्धि पाने हेतु हमारे समाज में आज भी कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक ऐसी मान्यता है जो आपके घर की खाली तिजोरी को हरा भरा करती है और ये परंपरा हमारी हिंदू धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार कई तरह के शुभ चिन्ह बताए गए हैं जो घर परिवार से परेशानियों को दूर रखते हैं। हम आज एक ऐसे ही चिन्ह की बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक है माता लक्ष्मी से। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और धन का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे अपने जीवन में कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होता। यही वजह है कि लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा चमत्कारी उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करने के बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। हम बात कर रहे हैं अष्ट धातु से बनी माता लक्ष्मी के चरण पादुका के बारे में, जिसे पूजा घर में और घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर कमल के फूल के साथ रखने की मान्यता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ने लगता है। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी वहीं आकर्षित होती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इससे घर में प्रेम भाव बढ़ता है और इस तरह इसे अपने घर में रखने से कई लाभ होते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में माँ लक्ष्मी का चरण पादुका बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का चरण पादुका जिस भी स्थान पर स्थापित रहता है वहाँ से समस्याओं का नाश हो जाता है और इसके साथ ही साथ उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों की दरिद्रता का भी नाश होता है और उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। बता दें कि माँ लक्ष्मी चरण पादुका को घर के अलावा दुकान या दफ्तर में भी स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि इन जगहों पर चरण पादुका स्थापित करने से कार्य में प्रगति होने लगती है और बिजनेस में बड़ा धन लाभ होता और नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी के चरणों में बने हुए 16 चिन्हों के बारे में जो कि 16 कलाओं का प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं 16 कलाओं के चिन्हों के नाम जो इस प्रकार हैं। पहला अनमया, दूसरा प्राणमया, तीसरा मनोमया, चौथा विज्ञानमया, पांचवा आनंदमया, छठवां आतिशयिनी, सातवां विपरी नाभमी, आठवां सक्रमिनी, नौवां प्रभवी, दसवां कुंथनी, ग्यारहवां विकासनी, बारहवां मृदनी, तेरहवां सनहालादनी, चौदहवां अहवादनी, पंद्रहवां रिपूर्ण और 16वां और आखिरी होता है स्वरूपवस्थित। दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी सही नहीं लगी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।